सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम व खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई है। इसका पैगाम ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और मैं इसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, वो तुमको एक मक्ते मुकर्रा तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगरदानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वह हर चीज़ पर कादिर है। देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है और वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। और ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर इसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। वो इसके रहने की जगह को भी जानता है और जहाँ सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद यह है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ए नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज़ अजाब को रोके हुए है। देखो जिस रोज़ वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज़ का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे इसको छीन लें तो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुँचने के बाद आसाइश का मज़ा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियाँ मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फ़ख्र जताने वाला। हाँ, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो शायद तुम किस चीज़ वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ए नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज़ का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान खुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ेब व ज़ीनत के तारीफ हों, हम इनके आमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और इसमें इनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतिश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ ये करते रहे सब ज़ाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसके जानिब से हो और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो इसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में ना होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह के रास्ते से रोकते और इसमें कजी चाहते हैं और वह आखिरत का भी इनकार करते हैं। ये लोग ज़मीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते और ना अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगम्बर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और ना तुमको देख सकते थे।
यही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये इख्तरा किया करते थे इनसे जाता रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान पाने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिज़ी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता। भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं, और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारी नस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी सताए राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ए कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और ज़र का मुतालबा तो नहीं करता, मेरा सिला तो अल्लाह के ज़िम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं इनको निकालने वाला भी नहीं हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको निकाल दूँ तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं ना तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और न उन लोगों की नस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो, ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो इनके दिलों में है इसे अल्लाह खूब जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफों में हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, अब अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि इस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते, और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैरख्वाही करूँ और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैरख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती, वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो इससे मैं बरी जिम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं इनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं इनके बारे में मुझसे कुछ ना कहना क्योंकि वह ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनसे तमस्खुर करते, वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो इसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादे ले लें, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा इसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो, और इनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और वो इनको लेकर तूफ़ान की लहरों में चलने लगी, लहरें क्या थीं, गोया पहाड़ थे। इस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है,
मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हो गई और वो डूब कर रह गया और हुक्म दिया गया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है तो उसको भी निजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है, तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरख्वास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार मैं तुझसे पना मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ कि नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवाइद से बहरामंद करेंगे, फिर इनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुँचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले ना तुम ही इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी, तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं। और ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रोगर्दानी ना करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचा कर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ, यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत ना दो। मैं अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम रूगरदानी करोगे तो जो पैगाम मेरे ज़रिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुँचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगेबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से निजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफरत मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीद रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई, क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसकी तरफ हम बड़े भारी शक में हैं। सालेह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो इसके सामने मेरी कौन मदद करेगा। तुम तो कुफर की बात से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम,
ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मौजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ़ ना देना वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने इसको काट डाला तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे इनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वह अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। सुन रखो, कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते यानी वो खाना नहीं खाते तो इनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी तो हमने इसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, अह मेरा बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू ना करो, क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गर्ज है इसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा कि ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी की जो आफत इन पर पड़ने वाली है वही इस पर भी पड़ेगी। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर की तहबते कंकरियाँ बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी ना किया करो, मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तौल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो और ज़मीन में ख़राबी करते ना फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा निगबान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसरुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और बड़े सीधे हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोज़ी दी हो तो क्या मैं अपना फ़र्ज अदा ना करूँ? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूँ खुद इसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इसलाह चाहता हूँ,
और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सोलह की कौम पर वाक़ हुई थी, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़ हो और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है और इसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल का अहाता किए हुए है। और ऐ कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे इनको चिंगार ने आह दबोचा तो वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया इनमें कभी बसे ही ना थे। सुन रखो कि मदीन पर वैसी ही फिटकार है जैसे समूद पर फिटकार थी। और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और दलील रोशन देकर भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चलते रहे, हालांकि फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर इनको दोजख में जहाँ उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है, और इस जहाँ में भी लानत इनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम इनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं, इनमें से बास तो बाकी हैं और बास तहस नहस हो गई, और हमने इन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गर्ज, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचा तो जिन माबूदों को वह अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो इनके कुछ भी काम ना आए और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ ना दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो इसकी पकड़ इसी तरह की होती है, बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। इन किस्सों में इस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है, ये वो दिन होगा जिससे सब इकट्ठे किए जाएंगे, और यही वो दिन होगा जिससे सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और हम इसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखिर कर रहे हैं। जिस रोज़ वह आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर इनमें से कुछ बदबخت होंगे और कुछ नेकबخت, तो जो बदबخت होंगे वो दोजख में डाल दिए जाएंगे। इसमें इनको चिल्लाना और धारना होगा। जब तक आसमान और ज़मीन है वो इसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। और जो नेकबخت होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे, और जब तक आसमान और ज़मीन है हमेशा इसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ता नहीं होगी। तो ये लोग जो गैर अल्लाह की परस्तिश करते हैं, इससे तुम शक में ना पड़ना, ये इसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले से उनके बाप दादा परस्तिश करते आए हैं, और हम इनको हिस्सा पूरा पूरा बग़ैर कुछ कम किए देने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो इसमें इख्तलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो इनमें फ़ैसला कर दिया जाता, और वो तो इसकी तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हुए हैं। और तुम्हारा परवरदिगार इन सब को क़यामत के दिन इनके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा, बेशक जो अमल ये करते हैं वो इससे वक्त। तो ऐ पैगम्बर, जैसा तुमको हुक्म होता है इस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ ताइब हुए हैं कायम रहो, और हद से तजावस ना करना, वो तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं इनकी तरफ माइल ना होना, नहीं तो तुम्हें भी दोजख की आग आ लिपटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई भी मदद भी ना मिलेगी। और दिन के दोनों सरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं।
یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوشمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک جماعت کر دیتا اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، اور اے نبی اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں، اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا، اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہیں۔ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک پر پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض، جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی، اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں،
और इनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सबर के वही खूब है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि इस कुएं के करीब एक काफिला आवर्द हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सिक्का भेजा तो इसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, ज़हे किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती समझकर छुपा लिया और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था और उन्होंने इसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूदे चंद दरहमों पे बेच डाला और वो इससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने इसको ख़रीदा इसने अपनी बीवी से जिसका नाम ज़ुलैखा था कहा कि इसको इज्जत और इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। इसी तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी और गर्ज ये थी कि हम इनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने इनको दानाई और इल्म अता किया और नेककारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे इसने इनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तुम मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। और इस औरत ने इनका कसद किया और उन्होंने इसका कसद किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी ना देखती तो जो होता सो होता। यूँ इसलिए किया गया कि हम इनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वह हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे ज़ुलैखा। और औरत ने इनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खावंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे इसकी इसके सिवा क्या सज़ा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और इसके ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। तो जब इसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब इसने ज़ुलैखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर और ज़ुलैखा तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई है, हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब ज़ुलैखा ने इन औरतों की गुफ्तगु जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी तो इनके पास दावत का पैगाम भेजा और इनके लिए एक महफिल मुर्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने आओ। जब औरतों ने इनको देखा तो इनका रौब हुस्न इन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए। बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। ज़ुलैखा ने कहा, तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम ना करेगा जो मैं इसे कहती हूँ तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं इसकी नस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और नादानों में से हो जाऊँगा। बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल कर ली और इनसे औरतों का दाव टाल दिया, बेशक वही तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे इनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए इनको कैद ही कर दी। और इनके साथ दो और जवान भी दाखिल जिंदा हुए, एक ने इनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि देखता क्या हूँ कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हों और परिंदे इनमें से खा रहे हैं, तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकोकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा,
कि मैं इससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा, ये इन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने इनका मजहब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूँ। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक बनाएं, ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। जिन चीज़ों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। इसने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोचेंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है और दोनों में से जिनकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रहाई पाए जाएगा, इससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे इनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस कैद खाने ही में रहे। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोश सब्ज हैं और 7 खुश्क। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये ख्वाब तो परेशान ख्याली से हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। और वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे कैद खाने जाने की इजाज़त दीजिए। गर्ज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ऐ बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 होश सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊँ, अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी को खोशों में ही रहने देना। फिर इसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे, जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो इस सब को खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद एक साल आएगा कि खूब मैं बरसेगा और लोग इसमें रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। तो जब कासिद इनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, बेशक मेरा परवरदिगार उनके फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि अल्लाह पाक है, हमने इसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की बीवी ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल ये है कि मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी अमानत में खयानत नहीं की और अल्लाह खयानत करने वालों की चाल को चलने नहीं देता। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।